दिल्ली है दिल वालों की, और इन दिल वालों की दिल्ली का ना एक बहुत ही ज़्यादा कोर प्रोमिनेंट पार्ट है जो कि है दिल्ली हट। और इसका ना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है दिल्ली हट INA। और यहाँ पे ना जैसे आप बाहर निकलोगे आपको दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा रंगीन दुनिया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी कलरफुल। और सोचो जब एंट्री ऐसी है तो और जाके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एंड मैंने ना कुछ टाइम पहले सोचा कि यार आपको दिल्ली हट लेके चलते हैं, एंड उससे पहले ना आपको टिकट ज़रूर खरीदना पड़ेगा फ़िलहाल। मगर आगे ना मैं आपको दिखाती हूँ कि दिल्ली हट में ना कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ना बेसिकली जितनी भी स्टेट्स हैं उनके एंड मोस्टली नेटिव कंट्रीज़ जो हैं वहाँ की ना बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। टेक्सटाइल हो गया, हैंडलूम हो गया, खाना पीना हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गए, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें तो यहाँ मिलेंगी। तो आप यहाँ पे अगर आओ ना आपको एक अलग ही दुनिया क्यूट सी मिल जाएगी। बेसिकली लगेगा एक छोटे से कार्निवल में आ गए हो जहाँ पे आपको हर चीज़ दिखेगी एंड कुछ भी आप आराम से इन्जॉय कर सकते हो, फुल डे अच्छा सा प्यार सा स्पेंड कर सकते हो। एंड मैंने सोचा कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे इतने सारे स्टेट्स हैं तो यार हर जगह का खाना ट्राई करना तो बनता ही है। तो उस बेस में ना हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट और प्यारी सी सीरीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड दैट इज़ दिल्ली हट सीरीज़। इसका प्रॉपरली कोई नाम अगर आपके पास हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट एक है ये दिल्ली हट सीरीज़ जिसका आज हम पहला एपिसोड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड इस सीरीज़ में ना बेसिकली यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, एंड वहाँ पे हम ना उनके जाके ट्राई करेंगे वहाँ का स्पेसिफिक कुछ खाना एंड वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम जो पहला स्टेट आपके साथ ट्राई करने जा रहे हैं वो है मेघालय, जो कि है स्टॉल नंबर 5। तो स्टॉल आई डोंट नो चेंज होते कि नहीं होते, बट मेघालय स्टेट है जो हम ट्राई करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। तो ये रहा यहाँ का मेन्यू, और जैसे कि आप देखोगे ना इस मेन्यू के अंदर ना इनके पास वैरायटी बहुत सारी है, एंड प्राइस वाइज ना इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि अगर आपको लगे कि आप दिल्ली हट आ रहे हो तो बहुत ही कॉस्टली होगा। आई थिंक ये जो हमारा पहला स्टॉल था इट्स लाइक नॉमिनल प्राइस में। एंड हमने सबसे पहले ऑर्डर करी फ्रूट बियर, जो कि इतनी गर्मी हो रखी थी तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी थी। एंड मैं बताऊँ क्या तो रिफ्रेशिंग थी, मज़ा आ गया इसको पी के, आई वॉज सो हैप्पी। एंड इसके बाद करे गर्मा गर्म पिपिंग हॉट चिकन मोमो, जो कि प्राइस बेस में एंड इसकी क्वांटिटी बेस में एंड क्वालिटी बेस में तो ओ माय गॉड सो डैम डिलिशियस, गुड, वाओ। अगर मैं बोलूं कि मैं इनको टॉप 10 मोमो ऑफ दिल्ली NCR के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करूं और इसको डालूं तो ये एक्चुअली में बिल्कुल सही है। इसकी ना मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें मोमो थे जिसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा एकदम टॉप पे आता है। सो डैम डिलिशियस, सो डिलिशियस, मतलब क्या तो जूसी था, इसकी स्पाइस इतना ज़्यादा था, मतलब ये तो चटनी थी ना, स्पाइसी भी थी मगर इसमें टैंगी भी थी, एंड मतलब अलग सा जूसीपन आ रहा था इस पूरे कॉम्बो में जो बहुत ही अच्छा था। एक चीज़ ज़रूर है कि मैंने ना ये मोमो बहुत आराम से खाया, मतलब हम 3 लोग गए थे एंड इसमें ना हमारा आधे ज़्यादा पेट भर गया था। एक तो इसलिए कि क्योंकि ये हैवी भी था एंड स्टफिंग बहुत अच्छी थी, बट उसके साथ में ये चीज़ भी थी कि इतना गर्म था कि पानी बहुत पी रहे थे हम लोग। एंड इसके बाद जो उसका वो सूप मिल रखा था क्लियर सूप, इट वॉज़ लाइक कि ओह ना पिया जाएगा। फिर हमने फिर ऑर्डर करा ये थुप्पा, जो कि एज़ पर प्राइस बहुत ही अच्छी क्वांटिटी थी एंड बहुत ही सिंपल क्लासी, नॉट ओवर द टॉप, एकदम नॉर्मल सा था। कि मोमो के बाद ना इसको खाना ना ऐसा लग रहा था कि अरे भाई साहब अपने टंग पे ना एकदम उसको नॉर्मल लेयर मिल रही थी, क्योंकि इससे पहले तो हिल हिला गई थी। तो अगर आप इसको ट्राई करो ना तो बहुत ही सही था। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे हमने जो अपना लंच करा ना इट वाज़ लाइक अच्छा खासा हैवी पड़ गया था, खाना बहुत टेस्टी था, हर एक चीज़ ऑन पॉइंट थी, मज़ा आ गया। एंड यार आओ यहाँ पर आप ना अराउंड 630 रुपीज़ हमारा फुल बिल पड़ा था, जो कि वर्थ इट था, सीरियसली बता रही हूँ। यहाँ पे और चीज़ें आपको ट्राई करनी है ज़रूर ट्राई करना। कुछ चीज़ें आपने अगर ट्राई कर रखी हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यू विल शेयर आपकी जो सजेशंस हैं तो उसको हम ट्राई करेंगे। अभी तो फिलहाल इट वॉज सो डैम अमेजिंग। एंड इसके साथ अब हम आपको थोड़ा सा आगे दिल्ली हट दिखाएंगे, एंड उसके साथ में ना आगे हम नेक्स्ट स्टॉल आपके साथ शेयर करेंगे जो कि जल्दी हम विजिट करेंगे एंड उसके साथ आपको जल्दी दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं शॉपिंग करते हैं। आइए चलिए आपको लेके चलते हैं दिल्ली हट मार्केट के अंदर में। एंड जैसे आप देख रहे हो ना अपने आसपास में
क्या तो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं खरीदने के लिए। एंड यहाँ पे ना मतलब विंडो शॉपिंग भी आप कर लो आराम से। एक चीज़ ज़रूर मैंने रियलाइज़ करी थी कि मैं आज से ना बहुत टाइम पहले दिल्ली हट आई थी, एंड उस टाइम में ना माइंड के अंदर में ये सेट हो रखा था कि दिस इज़ सो एक्सपेंसिव, हर एक चीज़ तो पता नहीं क्या सोने के भाव बिक रही है। बट अभी जब मैं आई इतने टाइम बाद, हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखी, चेक करी, मतलब फुल होता है ना कि आप प्रॉपर सर्च करते हो मार्केट को, पूरा सर्वे करते हो, तो आप रियलाइज़ करा कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई थिंक 70% चीज़ें ऐसी थी जो कि नॉमिनल प्राइस पर थी एंड एज़ पर द क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से थी। मतलब हम लोगों ने कुर्ते वुर्ते करे थे एंड मैंने एक नोज़ पिन प्यारी सी खरीदी जो मुझे एक नया नया शौक चढ़ गया था, तो ये हमने लिया। बट बाकी जैसे दिखा रहे हैं आपको बैग्स वगैरह हैं, कपड़े हैं, जैसे हम लोगों ने ना कुछ कुर्ते वगैरह देखे थे कश्मीरी, चिकनकारी, सब अलग अलग वैरायटी के, तो वो सब ना बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे थे। मतलब इतने कॉस्टली नहीं थे, बहुत सस्ते तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बट ऐसे थे कि जो एक्चुअली में आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये इतने में तो मिलेगा ही, एंड वो भी प्योरिटी के साथ एंड प्रॉपर शॉप वगैरह है। तो ये चीज़ ज़रूर हम देख रहे थे कि यार यहाँ पे प्राइस तो बहुत ही, जैसे इतना बड़ा जो ड्रीम कैचर था ये अराउंड 300, 350, 400, मतलब बहुत ही सही प्राइस में हर चीज़ मिल रही थी। एंड हमने कुछ कुर्ते भी खरीदे थे कश्मीरी बेस में जो कि अच्छे लग रहे थे एंड प्राइस बेस में भी अच्छे थे। तो आगे ना जब मैं आऊँगी मैं दिल्ली हट के अंदर में, तो ये थोड़ा माइंड में विद फूड, क्योंकि अभी तो मैं दिमाग में लगा के आई थी कि यार मैं कुछ अच्छा सा ट्राई करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, बट अगली बार मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगी। और यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप इसके साथ में कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि अलग सा स्टॉल, बिकॉज मेरे माइंड में तो है कि मैं कुछ ट्राई करना चाहूँगी अलग अलग सा, यहाँ पे कौन से स्टेट का ट्राई करना चाहूँगी, मगर आपके माइंड में अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और कुछ अच्छा खाना आपको पता है कि यार ये ज़रूर ट्राई करना, तो वो भी ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, चलिए हम आपको जल्दी मिलते हैं इन दिल वालों की दिल्ली हट से। बाय बाय करते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।